बेमेतरा जिले से बड़ी खबर है। बेमेतरा जिले में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 1,43,685 किसानों को 103,73,00,000 की राशि का भुगतान किया गया। वहीं धान खरीदी के मामले में बेमेतरा जिले पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। आज पूरे प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 26.5 लाख किसानों के, गौपालकों के और भूमिहीन मजदूरों के खाते में लगभग 1,804 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। पहले दो वर्षों में भी हम लोगों ने इन योजनाओं का राशि किसानों के खातों में हस्तांतरण किया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में लगभग कोरोना समाप्त है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत इस राशि का हस्तांतरण किया गया। हिंदुस्तान में इस तीन प्रकार की जो योजना हम संचालित कर रहे हैं, किसी भी राज्य के द्वारा ऐसी योजना संचालित नहीं किया जा रहा है। नंबर एक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा जो हम धान और अन्य खरीफ के फसलों पर राशि दे रहे हैं, पूरे देश में इतनी राशि कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो गोबर खरीदी 2 रुपया किलो में हम कर रहे हैं, अभी अन्य 4-5 राज्यों ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने 2 रुपया हम करते हैं, वो 1.5 रुपये किलो से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी योजना है और मजदूरों के लिए जो योजना हमने लागू किया है, अभी पूरे देश में कहीं ये योजना लागू नहीं है। 7,000 रुपया प्रति वर्ष लैंड लेस मजदूरों को, जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके खाते में हस्तांतरण का काम, पहली किस्त 71 करोड़, दूसरी किस्त 71 करोड़, आज भी 71 करोड़ 8 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया गया। तो स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसान एकत्रित हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सब लोगों ने सुना है और ये सारा कार्यक्रम किसानों के लिए, गोपालकों के लिए, मजदूरों के लिए था। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक इकोनॉमी की जो मजबूती है, किसान के जेब में पैसा जाएगा। आज ही आप देखिएगा 1,804 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया, कल से बाजार बूम हो जाएगा, व्यापारी भी और अन्य सभी वर्गों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की इस अद्भुत योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए।